ए स्कूटर वाज ब्राउट एट 42,000। एक स्कूटर है जो कि खरीदा गया, कितने रुपीस में खरीदा भाई, 42,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक स्कूटर इन्होंने 42,000 में ख़रीदा, उसका जो रेट है या फिर ये कहो उसकी जो वैल्यू है, जैसे आप जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो या फिर कोई भी ऐसा स्कूटर वगैरह खरीदते हो, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी वैल्यू खरीदने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है, राइट। तो ये वही बोल रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है उसका रेट में कितना परसेंट पे डिक्रीमेंट हो रहा है, 8% पे डिक्रीमेंट हो रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी वैल्यू बताइए एक साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो रेट होता था पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ होता है, आपका जो जो रुपीज़ दिया जाता है, प्रिंसिपल दिया जाता है, उसमें भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन आप कोई भी ऐसा सामान खरीदते हो, स्कूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते हो, तो उसमें जो होती है वैल्यूज जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है पहली इनिशियली वैल्यू से, ठीक है। इनिशियल वैल्यू से इन वाली चीज़ों में डिक्रीज़ हो जाता है। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 42,000 दे रखा है, राइट। रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, वो भी कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है। और टाइम क्या है, एक साल है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, 1 प्लस की जगह इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। यही चीज़ इसमें ध्यान रखने की, कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या हो रहा था, 1 प्लस हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि आप अगर आप कोई भी अमाउंट देते हो या फिर आप पॉपुलेशन की बात करो या फिर आप किसी को कुछ भी उधार देते हो, तो वो उसमें क्या होता है, आपका जो सम होता है वो बढ़ता है, इनिशियली वैल्यू से इंक्रीज़ होता है। लेकिन आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसकी जो मार्केट प्राइस जो होता है वो घटता चला जाता है, एट द मतलब ईयर्स बढ़ते रहते हैं तो वो घटते चले जाते हैं, ओके। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 42,000, 42,000। रेट कितना दे रखा है हमें, 8/100 की पावर 1 की पावर 1, एक मिनट इरेज कर देता हूँ इसे, की पावर 1 हो गई, ठीक है। अभी इससे काटेंगे तो 8 से इसको काटा हमने, कितना आएगा, 25, राइट। ये कटने के बाद ये बचा ऊपर 2 और नीचे बचा 25, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 42,000 मल्टीप्लाई 23/25। इसको हम सॉल्व करके आएंगे, हमारे पास 38,640 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा एक साल बाद इसका जो प्राइस होगा 42,000 से स्कूटर का कितना बढ़ जाएगा, 38,640 रुपीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। 42,000 था, अभी तक हमने जो भी देखा था अमाउंट क्या होता था, इनिशियली वैल्यू से इंक्रीज़ होता था। लेकिन आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, आपका जो मार्केट प्राइस है जो आपने ख़रीदा था उससे क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ओके। आई थिंक आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। थैंक यू सो मच।